हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इस ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों को इस ब्लॉग में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि हम हिंदू धर्म के विवाह को कवर करेंगे, मैरिज को कवर करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू धर्म में जो शादी होता है वो किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस होता है, सभी कुछ को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी काम भगवान की पूजा से स्टार्ट होता है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपके घर में किसी का शादी हुआ होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए, भगवान का पूजा हमने कर लिया। अब कुछ देर में तिलक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे धर्म में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो तिलक स्टार्ट होता है। उससे भी पहले कुछ प्रोसेस होता है, बट इस वीडियो में हमने तिलक से स्टार्ट किया है। और तिलक में क्या होता है, आप लोग सभी को पता है कि लड़की पक्ष से आपको कुछ उपहार दिया जाता है, ना कि दहेज, ठीक है ना। तो उपहार दिया जाता है, मतलब उनके मन से कुछ भी भेंट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है लड़के को। तो चलिए देखिए, आप लोग आनंद लीजिए और बहुत ही अच्छा लगेगा इस ब्लॉग में, तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि किस तरह से शादी होता है। और बहुत ही अच्छा धर्म है हिंदू धर्म, कोई भी धर्म काफ़ी अच्छा धर्म होता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रोसेस होता है शादी करने का। तो अभी देख लेते हैं इस ब्लॉग को हम लोग, और यहाँ से तिलक स्टार्ट हो चुका है, पूजा स्टार्ट हो चुका है। सिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये मातृ पूजा हो रहा है। मतलब शादी से पहले क्या होता है कि मातृ पूजा किया जाता है, मतलब जहाँ पे आपका गांव होगा वहाँ पे एक पूजा किया जाता है और घर का भी पूजा होता है, ठीक है। तो सबसे तिलक के बाद यही काम होता है, मातृ पूजा का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे घर का पूजा हो रहा है। यहाँ पे दूल्हा को, दूल्हा जो होगा उसको हल्दी लगाया जाएगा, सजाया जाएगा, नहवाया जाएगा, मतलब काफी कुछ मतलब यहाँ से प्रोसेस एक स्टार्ट हो जाता है। शादी के जो तैयारी होती है, यहाँ से एक तैयारी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि अभी हल्दी लगाया जा रहा है दूल्हा को। और इस प्रोसेस को बोलते हैं चुमाना, ठीक है। अब मुझे मतलब इसका नहीं पता, बट मैंने प्रोसेस आप लोगों को बता दिया। अब ये देख सकते हैं कुछ चावल होगा और दही होगा शायद, ठीक है ना। वो कुछ चावल दही दिया जाता है, कुछ 5-6 लोग बैठ के से खाते हैं। और ये दूल्हे को स्नान कराया जा रहा है यहाँ पे हल्दी से। और ये कुछ जाने से पहले नजर उतारा जाता है शायद दूल्हे का, कुछ खिलाया जाता है बारात में जाने से पहले, मतलब शादी में जाने से पहले। अब ये दूल्हा को तैयार किया जा रहा है। तो दूल्हे के जो जीजा होते हैं या जो यहाँ शादीशुदा होंगे, जो भी जिनका शादी हो चुका है, वो सबसे पहले दूल्हा को जनेऊ पहनाते हैं। अगर शादी से पहले जनेऊ हो जाता है तो जनेऊ पहनाते हैं हमारे धर्म में, ठीक है। और इसके बाद दूल्हे को तैयार किया जाएगा।
यहाँ से तैयारी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो काम होता है वो बराती मतलब शादी में जाने से पहले 3-4 घंटे पहले ये काम किया जाता है। बहुत ही दोस्तों मज़ा आता है हिंदू धर्म में, या किसी भी धर्म में जो शादी होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोग को आगे भी। अब यहाँ देखिए दूल्हा को तैयार कर दिया गया, और दूल्हा को तैयार करने के बाद जितने भी दूल्हे के जीजा होते हैं उनको सोने का अंगूठी या कुछ भी उपहार दिया जाता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होता है किसी भी धर्म में शादी में। अब यहाँ देखिए दूल्हे के पैर को शायद हाथ को रंगा जाता है या नहीं रंगा जाता है, बट पैर को रंगा जाता है। अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये इमली घोटाना होता है, मतलब जो मामा होते हैं दूल्हे के वो इमली मतलब खिलाते हैं दूल्हे को, ठीक है। तो यहाँ मामा नहीं आ पाए थे तो उनका जो बेटा था ना उन्होंने इस प्रोसेस को कम्प्लीट किया। ये जब लड़की का शादी होता है तो भी इमली खिलाना होता है, और ये जो प्रोसेस है ये मैंने बता दिया था चुमाना, अब इसका मतलब मुझे नहीं पता। जो घर की लेडी होती है वो दूल्हे को चुमाती है। शायद इनके हाथ में प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, और ये देख सकते हैं दूल्हे की माँ है, ये शायद 5 बार इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जो पानी गिराया जा रहा है ना वो 5 बार होता है। और ये दूल्हे को जूता पहना रहे हैं उनके जीजा। दोस्तों सच बताओ तो शादी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिएगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कुछ देर में यहाँ से जो बाराती होता है वो निकलेगा, मतलब शादी के लिए जाएंगे यहाँ से सभी लोग। और ये देख सकते हैं कि यहाँ से बाराती निकलने वाला है, सभी लोग शादी के लिए जाने वाले हैं। ये जो शादी हो रहा है गांव में हो रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि जो आसपास का लोकेशन होगा आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये एक गांव है। और कहीं भी शादी हो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और शादी में जाने से पहले मतलब बाराती में जाने से पहले दूल्हे की माँ और घर की लेडी पूजा करती है, ये छोटा सा प्रोसेस होता है। अब ये देखिए यहाँ हम लोग आ चुके हैं, मतलब लड़की वाले के घर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे द्वार पूजा होता है, जो कि दुल्हन के पिता होते हैं ना वो द्वार पूजा करते हैं, मतलब दूल्हे का पूजा करते हैं। और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना अब जयमाला शुरू होने वाला है। और ये देख सकते हैं आरती होता है, जो दूल्हे की साली होती है वो आरती करती है, और दूल्हे को कुछ देना होता है, जूता छिपाने का भी विधि होता है इसमें, काफ़ी कुछ होता है। तो मैंने सब कुछ को यहाँ रखा नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उसको आप लोग को दिखाने का कोशिश किया है, ठीक है ना। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।
और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। और इसके कुछ देर बाद जो शादी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शादी के लिए तैयारी स्टार्ट हो गया है। अब से अब पे शादी स्टार्ट होने वाला है। और ये जो प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये है कहना या जो कपड़े रखाया जाता है यहाँ पे। तो दूल्हे का जो भैंसुर होता है, भैंसुर मतलब आप लोग समझते होंगे जो दूल्हे का जो ब्रदर होता है, मतलब एल्डर ब्रदर होता है, बड़ा भाई होता है, वो क्या करता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, मतलब ये जो विधि होता है उसको कंप्लीट करता है। गहना चढ़ाता है, जो क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, उसको चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो ये भी शादी से पहले का प्रोसेस होता है, शादी से पहले का विधि होता है। और लगभग पूरा रात निकल जाता है, पूरा रात निकल जाता है हिंदू धर्म में शादी होने में। ये देख सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं सिंगार बक्सा, चूरी, यहाँ देख सकते हैं चूरी का एक बक्सा है। और कुछ गहने को यहाँ चढ़ाया जा रहा है। अब ये देख सकते हैं साड़ी है जो दुल्हन को मिलेगा, ये सब। ये लड़के पक्ष से उपहार आता है दुल्हन के लिए। और तिलक में क्या होता है, लड़की पक्ष से उपहार जाता है। और दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब यहाँ खोइचा समझते होंगे आप लोग, खोइचा दिया जा रहा है यहाँ पे ना। दीदी ये नया का बर्थ में आप देख सकते हैं कि आगे का भी ऊपर मुड़ी तक ताकि ये लोग देखो नीचे तक भी एक हां अब भीतर तक तक ये देख हमरा बे बोल ले के पाते नहीं गाड़ी नेगवे नहीं खेले के हां के खेल हो रहे कन्यादान का प्रोसेस।
ये जो प्रोसेस आप देख सकते हैं कन्यादान का हो रहा है। अब कन्यादान में माता पिता दोनों का होना जरूरी है, कोई भी कन्यादान दे सकता है बट वो कपल होना चाहिए। माता पिता हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर माता पिता नहीं है तो कोई दूसरे भी कन्या दूसरे कोई भी कन्यादान दे सकते हैं बट कपल होना चाहिए। अब यहाँ से देख सकते हैं फेरे की तैयारी हो चुकी है, जो सात फेरा होता है हिंदू धर्म में शादी से पहले, सात जन्मों का रिश्ता सात फेरा ये स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ शायद लड़के के जो पिता होते हैं वो बांधते हैं दूल्हे के साथ है। मतलब जो गांठ होता है उसको बांधा जाता है। अब जो फेरा था वो क्लियर है, वो ख़त्म हो चुका है, सात फेरा ख़त्म हो चुका है। अब लड़की को खोइचा दिया जा रहा है यहाँ पे। बहुत लंबा प्रोसेस होता है हिंदू धर्म में, ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है किसी भी शादी में। अब यहाँ पे सिंदूर दान हो रहा है, ठीक है, मतलब दुल्हन को सिंदूर लगा रहा है दूल्हा यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी जो घर की महिलाएं जिनका शादी हो गया वो भी सिंदूर दान करती हैं। अब शादी हो चुका है और यहाँ पे बाद में जो दूल्हे के रिलेटिव होते हैं उनको खिलाया जाता है बैठा के मारो में, शायद ये मारो है जहाँ पे शादी हुआ वहाँ पे बैठा के सभी को खिलाया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मजाक होता है, जो दूल्हे के जो समधी होते हैं या दुल्हन के जो समधी होते हैं वो आपस में एक मजाक करते हैं और ये विदाई का प्रोसेस है। अब यहाँ से दुल्हन का विदाई हो रहा है, तो कोई भी जो भाई होता है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और ये बहुत ही नाजुक पल होता है किसी भी लड़की के लिए, जब शादी का अंतिम पल होता है वो बहुत ही नाजुक पल होता है, क्योंकि इतने दिन वो लड़की इस घर में रही और आज अचानक उसे इस घर को छोड़ के जाना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए दुख फील होता है। मेरे हिसाब से पूछे तो ये बहुत ही मुश्किल पल होता है।
अब यहाँ विदाई हो चुका है। इसके बाद ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं कि कुछ उपहार दिया जाता है, समधि शेयर करते हैं यहाँ पे, जो भी आपस में समधि होते हैं। अब ये जो है अपने घर पहुँच गए, जो दुल्हा है वो अपने घर पहुँच गए, तो वहाँ पे एक छोटा सा पूजा किया जाता है। उसके बाद दुल्हन के साथ दूल्हे को प्रवेश दिया जाता है घर में। दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और ये अंतिम क्षण है, मतलब अब लगभग जो विवाह है वो ख़त्म हो चुका है। और मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ऐसा कुछ आप लोग का एक्सपीरियंस अगर रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा था, ठीक है। और ये अब गृह प्रवेश करवाया जा रहा है दुल्हन और दूल्हे को, जिसमें एक चावल का भी कलश होता है जिसको दुल्हन गिराती है। कुछ आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ वैसा भी प्रोसेस होता है। मुझे तो ध्यान में नहीं है यहाँ पे हुआ था या नहीं हुआ था। अब यहाँ पे लगभग ये ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं, ये जो होता है ना, जो घर में जो दूल्हे की बहन होती है या जो भी रिलेटिव आते हैं, वो गेट को, जो द्वार होता है दूल्हे का घर का, मतलब जो कमरा होता है उसको क्या करते हैं, घेर के रखते हैं और कुछ गिफ्ट या कुछ भी मांगते हैं उपहार के तौर पर, तभी इससे यहाँ से इनको जाने देंगे इन दोनों को। तो चलिए मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये ब्लॉग आप लोग को कैसा रहा और लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। और चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा था इस ब्लॉग को बनाने में। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ब्लॉग कैसा था, कमेंट करके बताइएगा। और ये सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब अब घर में उन दूल्हा और दुल्हन पूजा कर रहे हैं।